जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं मिल पाया था मौका, लेकिन अब खुल गई छोटे विराट कोहली की किस्मत। श्रीलंका के दौरे पर मचाएगा तबाही, जारी हो गया श्रीलंका दौरे का शेड्यूल। 3 वनडे 3 टी20 मैच, गौतम गंभीर खुद तैयार करेंगे प्लेइंग 11, 3 खिलाड़ियों को बाहर बिठाने की तैयारी, जबकि अभिषेक के साथ में एक और खिलाड़ी को मिलेगा मौका। द्रविड़ के चेलों का खत्म हो जाएगा कैरियर, गुस्से में गौतम गंभीर ने चल दी अपनी सबसे खतरनाक चाल। श्रीलंका में तबाही मचाने के लिए टीम के 2 खिलाड़ी बनेंगे ढाल। गौतम गंभीर को जब से कोच बनाया गया है, तभी से कई लोगों को इस बात का डर सता रहा था कि इन 3 खिलाड़ियों का कैरियर खत्म हो जाएगा और 3 नए खिलाड़ियों की टीम में एंट्री हो जाएगी। खबर मिल रही है कि श्रीलंका के खिलाफ जो टीम चुनी जाएगी, गौतम गंभीर उसको अपने हिसाब से तैयार करेंगे। अभी श्रीलंका दौरे के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम वहां पर 3 टी20 मैच और 3 वनडे मैच खेलेगी। टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का पहला बड़ा दौरा श्रीलंका का होगा। 26 जुलाई से शुरू हो रहे इस दौरे में टीम इंडिया नए कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में उतरेगी। गौतम के सर पर बड़ी जिम्मेदारी है कि यहां पर जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम अपना प्रदर्शन करें। रोहित शर्मा और विराट कोहली तो टी20 क्रिकेट से अलविदा कर चुके हैं, लेकिन गौतम पर अब असली जिम्मेदारी यही है कि दूसरा रोहित और विराट तैयार। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में अभी तक कई स्टार खिलाड़ी निकलकर सामने आए, जिनमें एक नाम अभिषेक शर्मा का भी है। अभिषेक शर्मा अपने पहले डेब्यू मैच में फेल हो गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अगले ही मुकाबले में शतक ठोक कर अपनी दावेदारी को मजबूत कर दिया और दिखा दिया कि रोहित शर्मा के असली उत्तराधिकारी वही हैं। लेकिन जिस बात का डर अभिषेक शर्मा को सता रहा था, उनके साथ वही हुआ। तीसरे मुकाबले में अभिषेक शर्मा को तीसरे नंबर पर भेज दिया गया, जहां उनकी बल्लेबाजी फेल हो गई और 10 रन बनाकर आउट हो गए। इस बात को लेकर खूब बवाल हुआ। लोगों ने कहा कि अभिषेक के साथ गलत किया जा रहा है, उनके कैरियर को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी किस्मत श्रीलंका दौरे पर चमकनी तय। अभिषेक शर्मा टी20 के जबरदस्त खिलाड़ी हैं। माना जा रहा है कि श्रीलंका के दौरे पर अभिषेक का चयन 100% किया जाएगा। इतना ही नहीं, एक और खिलाड़ी है जिसका नाम वॉशिंगटन सुंदर है। वॉशिंगटन सुंदर ने भी तीसरे टी20 मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया। जिस तरीके से घातक गेंदबाजी वॉशिंगटन सुंदर करते हैं, वैसे गेंदबाजी बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। साफ तौर पर रविंद्र जडेजा के उत्तराधिकारी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर भी अपनी जगह बना रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों की गौतम गंभीर बहुत ज्यादा कद्र करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी आपको श्रीलंका के दौरे पर खेलते नजर आने वाले हैं। लेकिन जिस खिलाड़ी को छोटा विराट कोहली के नाम से जाना जाता है, उस खिलाड़ी की किस्मत भी चमकनी तय है। जी हाँ, रियान पराग को कई लोग छोटा विराट कोहली मानते हैं। दरअसल रियान भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज्यादा गुस्सैल और जोश में दिखाई पड़ते हैं। खुलकर बोलना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। शुरुआत के मैचों में रियान पराग को तो टीम में शामिल किया गया, लेकिन बीच में उनको बाहर कर दिया गया। मगर गौतम गंभीर रियान पराग को टीम में देखना चाहेंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह है विराट कोहली का रिप्लेसमेंट खोजना। रियान के पास ताकत है, मिडिल ऑर्डर में बढ़िया बल्लेबाजी कर पाते हैं। हमेशा से टी20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आपके पास पावर प्ले नहीं होते हैं। लेकिन रियान पराग वो खिलाड़ी है जो मिडिल ऑर्डर में अच्छा क्रिकेट खेलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रिंकू सिंह की किस्मत भी चमकने वाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रिंकू सिंह खेलते हैं। रिंकू का प्रदर्शन भी अच्छा जा रहा है, यही वजह है कि रिंकू का श्रीलंका दौरे पर चयन होगा। लेकिन माना जा रहा है कि शुभमन गिल को वनडे में श्रीलंका के दौरे पर तो चयन कर लिया जाएगा, मगर टी20 में अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। दोस्तों, क्या ये ठीक रहेगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।